आपकी शीट की प्रॉब्लम है, शीट नंबर 31 का एक बॉडी है जिसका मास 0.5 केजी है, वर्टिकल सर्कल में है, ये रहा वर्टिकल सर्कल और इसमें एल की वैल्यू पता है 1 मीटर। मिनिमम स्पीड बॉटम ऑफ द सर्कल पे क्या होगी, तो बोलो क्या फॉर्मूला, रूट 5GL। उसने क्या पूछा, मिनिमम स्पीड। अब ये ध्यान से पढ़ना, अगर स्पीड मिनिमम नहीं पूछी तो फॉर्मूला मत यूज़ कर देना, क्योंकि फिर उसकी मर्जी, जिस मर्जी स्पीड से घुमाएगा यहाँ वो खेलेगा, देखना वो मिनिमम। फिर मैं बहुत लोग क्वेश्चन गलत कर देंगे, फिर कहीं क्वेश्चन कैसे गलत किया, मैंने फॉर्मूला सही लगाया, मैं बोलूँगा देख मिनिमम लिखा नहीं लिखा, तूने फॉर्मूला कैसे लगाया। तो मिनिमम है तो ही लगेगा, मिनिमम नहीं तो नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस। तो मिनिमम स्पीड आ गई, इन दैट केस विल दी वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ सर्कल भी जीरो, बिल्कुल भी नहीं। टॉप ऑफ द सर्कल पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी एल। समझ में आ रहा है यहाँ तक, जीरो तो कर ही नहीं सकते सर्कुलर मोशन में, टॉप की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? जैसे बकेट कंटेनिंग वाटर इज टाइड टू वन एंड इन अ वर्टिकल सर्कल, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। बताया था अभी, रूट 5GL और रूट GL सेम है। ये कौन सा क्वेश्चन है, कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम ऐसे नहीं आता कि जो क्लास में किया था कॉनिकल पेंडुलम उसके बारे में लिख दो, ये कोई ऐसे थोड़े ना लिख रहे हो। तुम्हें सिचुएशन देगा, एक स्ट्रिंग है सीलिंग से बांध दी, लेंथ एल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, तो इट्स अ कॉनिकल पेंडुलम। कहेगा टेंशन निकाल लो, ओमेगा निकाल लो, वो पूरा एक्सप्रेशन मैंने आपको करके दिखाया था, कॉनिकल पेंडुलम के सारे एक्सप्रेशन में से कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ऐसे पूछा जाता है कॉनिकल पेंडुलम।